नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और अब वक्त हो गया खबरें फटाफट का। पीएम मोदी को न्योता देने आज सीएम योगी जाएंगे दिल्ली। अयोध्या के कमिश्नर और डीएम भी हुए रवाना। एस जयशंकर का बड़ा बयान, बोले G20 में कौन आ रहा है इसके बजाय फोकस मुद्दों पर होना चाहिए। महानपुरी कॉलोनी में एएनआई का छापा, बीएचयू के दो छात्रों से पूछताछ जारी, यूपी में मचा हड़कंप। विस्मान सूत्र सच शुरू, स्वर्गीय चंदन रामदास को दी श्रद्धांजलि, धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक। ठाकुर कायंग जेल के लिए गठित 3 सदस्य समिति में पूर्व जज को भी जोड़ा गया, सभी पहलुओं पर होगी जांच। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी ने शिक्षकों को किया सम्मानित, बोले खुद को तकनीकी रूप से अपडेट रखें। डिजिटल क्षेत्र में मजबूती से बढ़ रहा भारत, केंद्रीय मंत्री बोले भारत ने डीपीआई को बनाया ताकत। महिला ने मुंबई पुलिस को फोन कर दी बम लगाने की धमकी, 38 बार कॉल करके दी जानकारी। योजनाओं में देरी तो अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, गडकरी ने परियोजनाओं को लेकर दिए निर्देश। प्रतापगढ़ कांड, एनएचआरसी ने राजस्थान सरकार और डीजीपी को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। मराठा समुदाय को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र देने का रास्ता तलाश रही है राज्य सरकार। चीन पाकिस्तान सीमा पर गर्जे राफेल और मिराज, 10 दिनों तक चलेगा अभ्यास, लड़ाकू विमान परखेंगे ताकत। उदयनिधि ने फिर से सनातन धर्म के खिलाफ उगला जहर, बोले सनातन धर्म ने महिलाओं को गुलाम बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया गठबंधन को बताया भानुमति का कुनबा। शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी का पैगाम, बोले स्कूलों में देश के विभिन्न सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाया। 13 सितंबर को होगी इंडिया गठबंधन समन्वयक समिति की पहली बैठक, दिल्ली में शरद पवार के आवास पर होंगे मंथन। ईडी ने भारत इंफ्रा की 105 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की, बैंक धोखाधड़ी मामले में हुई कार्रवाई। यूपी में 8 जगहों पर एनआईए की बड़ी छापेमारी, नक्सलियों को फंडिंग पर प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में एक्शन। अयोध्या में 5 वर्ष की आयु वाले स्वरूप में विराजेंगे श्री राम, मुखमंडल पर पड़ेगी सूर्य की पहली किरण। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जिधर से गुजरेगा काफिला, उधर मेट्रो स्टेशन होगा बंद। G20 समिट में सड़कों को चमकाने के लिए 12,000 कर्मचारी विशेष ड्यूटी पर, एमसीडी ने भी पूरी की तैयारी। नई बूस्टर डोज तैयार, ओमिक्रोन समेत नए वेरिएंट पर होगी असरदार, सीजीएल ने दी ग्रीन टिक। रियासी में एसपीओ को बंधक बनाने वाला आतंकी ढेर, दूसरा घिरा, 2 जवान भी घायल। नशे का नेटवर्क तोड़ने की तैयारी, पंजाब में नशे से होने वाली हर मौत पर दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का मामला। अब पंजाब पुलिस में भर्ती हो सकेंगे ट्रांसजेंडर, पॉलिसी बनी, रिजर्व कैटेगरी में मिलेगा समान लाभ। यौन शोषण मामले में मंत्री संदीप सिंह को गिरफ्तारी का डर, चंडीगढ़ कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत। क्या बदलने वाला है अपने देश का नाम, जयराम रमेश का दावा, G20 बैठक के लिए भेजे गए इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर तेजी से बढ़ी योगी की आदित्यनाथ की लोकप्रियता, राहुल गांधी को छोड़ा पीछे। सनातन मिटाने की बात पर इंडिया से बीजेपी में कहा माफी मांगो, उन्हें निधि, बोले मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। यूएन एक्सपर्ट्स ने मणिपुर पर किए भ्रमक दावे, भारत ने आरोपों को नकारा, कहा अनुचित और अटकलों पर आधारित। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।